तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हम जा रहे हैं एक शादी में, और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 7 से 7:30। हम जाएंगे भवाली रस्त, भवाली होते हुए घोड़ा खाल। कल मैंने आपको लाइव में बताया था, तो ये रास्ते से होते हुए जा रहे हैं हम। तो मैं आपको बीच बीच में रास्ता दिखाते रहूँगा। और यहाँ देखिए कोहरा बिल्कुल नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान सड़क, कोहरा बिल्कुल नहीं। गाड़ी के अंदर तो ठंडा नहीं लगता, लेकिन गाड़ी के बाहर जैसे हम जाएंगे तो वैसे ही ठंडा शुरू हो जाएगा। और हमने 2 स्वेटर, 1 जैकेट, पजामा और जीन, 2 सॉक्स, जूते, इस टाइप तैयारी करके हम चले हैं। और देखते हैं कि आज हमें कहीं लेपर्ड देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से हम जो प्रोग्राम में जा रहे हैं वो प्रोग्राम भी ऐड करूंगा इसमें मैं। तो आप लोग देखिएगा शादी जो सेहराबंदी होती है वो कैसे होती है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ गाड़ी पड़ाव के पास, और सारे रेस्टोरेंट ही खुले हुए आपको दिख रहे हैं। और यहाँ से हम होते हुए जाएंगे तल्ली ताल, क्योंकि 6 से 8 जो हमारी मालरोड अपर मालरोड बंद हो जाती है, तो यहाँ से फिर 6 से 8 हमें यहीं से निकलना पड़ता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये, तो इस टाइम मैं पहुँचे हुआ मस्जिद के पास। तो हम जाएंगे DSB होते हुए सीधे तल्ली ताल निकलेंगे, वहाँ से हम भवाली की रूट पकड़ेंगे, फिर भवाली से हम जाएंगे घोड़ा खाल। और जो आज सेहराबंदी है वो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से सेहराबंदी होती है। और नैनीताल में तो काफ़ी अच्छी सेहराबंदी होती है, काफ़ी अच्छे सेहरा पड़ा जाता है। तो कल जाना है बारात में, फिर परसों है वलीमा। तो ये पहुँच गए हम DSB वाली रोड, तल्ली ताल वाली रोड। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। और यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं नैना देवी टेम्पल, कितना प्यारा दिख रहा है, देखने को मिल रहा है जैसे आप देख रहे हैं ये। और इसके जस्ट बगल में आप गुरुद्वारा देख रहे होंगे, और उसके बैक साइड आप देख रहे होंगे नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। और ये सामने हमारा DSB कॉलेज आ गया है, जहाँ से हमने पढ़ा हुआ है। और यहीं पर एक बार लेपर्ड भी देखने को मिला था गेट के आगे, ये है DSB कॉलेज का गेट। और यहाँ से हम निकल रहे हैं तल्ली ताल को। तो यह है नाइट का नज़ारा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, और इन दिनों अचानक से लेपर्ड देखने को भी मिल जाता है, लेकिन हमें तो अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन कर रहा था कहीं पे अचानक से दिख जाए। तो अभी तो चलती हुई रोड है तो नहीं दिखा है। और ये हम पहुंच चुके हैं भवाली, ये भवाली मार्केट है पूरी। अभी मार्केट देखिए यहाँ भी जल्दी बंद हो गई है, तो जाड़ों में तो अक्सर जल्दी ही दुकानें बंद हो जाती हैं जैसा आप देख रहे हैं ये। और सामने ही तिराया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैची धाम किधर से निकलते हैं। यहाँ से यहाँ कोई पिकअप गई है, इधर कोई कैची धाम निकलते हैं। ये रास्ता जाता है कैची धाम अल्मोड़ा, और ये जहाँ पे हमने टर्न लिया है ये जाता है भीमताल, नवकुचिया ताल, यहाँ से हल्द्वानी भी जा सकते हैं आप। तो यहीं से हम कटेंगे आगे को घोड़ा खाल के लिए। जैसा आप देख रहे हैं सामने की रोड पूरी सुनसान है, दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये आपका जा रहा है भीमताल, और भीमताल से फिर जाते हैं हल्द्वानी को। तो यहाँ से भीमताल है 22 किलोमीटर।